चलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग इस मैथ्स की इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी जाती है तो आप इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि इसको लगाने का जो प्रॉपर तरीका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का प्रॉब्लम ये दिया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है क्या कि टावर से देखो 40 मीटर अवे लिखा है ना, फ्रॉम द फुट, तो टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बनना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो समझ लो कि ये ए बी जो है टावर है जो कि वर्टिकल स्टैंड है। अब यहाँ पे जो बी वाला जो पॉइंट जो देख रहे हो ये टावर का फुट है, तो टावर के फुट से 40 मीटर दूरी पे, तो मान लीजिए इसके फुट से आप 40 मीटर की दूरी पे आप चले गए, तो 40 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट सी है। अब इस सी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, तो एलिवेशन एंगल कैसे बनाएंगे आप? इस तरीके से ये एरो लगा दीजिए, तो ये दिया गया कितना 30 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अगली इंफॉर्मेशन ये दी गई क्या, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब बताया जा रहा है क्या कि ये जो टावर ए बी है, इस टावर ए बी के ऊपर एक वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक के टॉप से जो एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पी ए जो है वो वाटर टैंक है जो कि इस टावर के ऊपर है। अब वाटर टैंक का जो टॉप पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पे पी है, तो एलिवेशन एंगल जो है बन रहा है इसी पॉइंट से जो कि कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। अब आपको दो चीज़ें आपको पता करनी है, क्या क्या? पहला चीज हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट जो टावर का जो हाइट है वो क्या होगा, और दूसरी चीज पूछे रही क्या द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी जो टैंक की जो गहराई जो होगी वो क्या होगी। तो पहली चीज जब आप हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे तो आपको ये समझना होगा कि इस डायग्राम में ये जो ए बी है यही क्या है, टावर का हाइट है, यानी ए बी ये क्या है, टावर का हाइट है, टावर्स हाइट। और जब हम बात करेंगे द डेप्थ ऑफ टैंक की, तो ये जो पी ए जो होगा, जो वाटर टैंक जो रखा गया है, यही डेप्थ को शो करेगा, यानी डेप्थ ऑफ द टैंक को शो करेगा, और यही दो चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टावर के हाइट को पहले हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ए बी क्या है, टावर्स का हाइट है, तो आप क्या करिए, राइट ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी। तो जब आप ट्रायंगल एबीसी जब ले रहे हो तो यहाँ तो बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है ए बी, इसके लिए आप 10 का रेशियो यूज करिएगा, तो 10 30 डिग्री, क्योंकि देखो जब आप ट्रायंगल एबीसी लोगे तो यहाँ पे जो सी वाले एंगल का जो रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ 30 डिग्री होगा, तो 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बेस क्या लेंगे, बी सी ले लेंगे। अब यहाँ पे 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, ए बी आपको पता नहीं है तो फिलहाल हम इसकी जगह पे हम वेरिएबल एक्स यूज कर ले रहे हैं, तो एक्स बी सी की वैल्यू कितनी है 40 मीटर। तो 40 मीटर को जब यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा 40 मीटर/√3 इज इक्वल टू एक्स। तो जैसा कि देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो आप रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में लेके जाना होगा, और आप क्या करें कि नीचे जो है आप √3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये रेशनल में चला जाए, तो ऊपर भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 40 √3 मीटर और नीचे हो जाएगा 3। तो अगर आप यहाँ पर भी कर देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके आंसर को डेसिमल में इवेल्युएट करना
तो आप एक काम करिएगा, अंडर रूट थ्री की जो वैल्यू होती है 1.732 डेसिमल के तीन प्लेस तक मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अंडर रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल की वैल्यू क्या होती है, आप ना तो उसको टर्मिनेटिव में ले सकते हैं ना ही रिपीटिंग के फॉर्मेट में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम तीन प्लेस तक के बारे में बात करें तो अंडर रूट थ्री की वैल्यू तीन प्लेस तक में आप 1.732 ले सकते हैं, डिवाइडिंग बाई थ्री करके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आपने ये देखा कि हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा। अब हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, इसको मैं नोट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो ये जो निकला ना, ये क्या निकला है, ये टावर का हाइट निकला है, इसको मैं नोट कर दिया मैंने। अब जैसे कि तुमको पूछा जा रहा क्या कि जो वाटर टैंक है उसका डेप्थ क्या होगा, तो अब इसके लिए आपको पूरा ट्रेंगल पीबीसी लेना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रेंगल पीबीसी ले लीजिए। अगर आप ट्रेंगल पीबीसी लेंगे तो ये जो पूरा एंगल जो सी होगा ये 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 10 का एक फॉर्मेट में ही लेंगे आप, क्योंकि आपको पीए सेक्शन निकालना है, बेस दिया ही गया है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का ही रेशियो जब लेंगे तो वो 10 को डिपेंड करेगा। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको मैं वाई से इंडिकेट कर ले रहा हूँ मैं, जो कि ये 10 के डेप्थ को इंडिकेट करेगा। तो वाई प्लस ये हमें टावर का हाइट हमें ऐड करना होगा, तो टावर का हाइट कितना है 40 अंडर रूट 3 बाय 3 मीटर। तो ये तो पूरा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हुआ, पूरा पीबी हुआ। तो पीबी जो है चूंकि पीए प्लस एबी को जोड़ने से बनेगा, तो यहाँ पे पीए की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, वाई यूज कर लिया है, और एबी की जगह हमने क्या यूज कर लिया, जो हमने ये रिजल्ट इवेल्युएट किया था वो हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये सिर्फ अभी परपेंडिकुलर है, अभी बेस क्या है 40 मीटर, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। 1045 की वैल्यू होती है 1, इसको लिख लो। अब y प्लस 40 अंडर 3 बाय 3 मीटर बाय 40 मीटर हो गया, और ये वाली गलती मत कर दीजिएगा क्योंकि ये बाइनोमियल है तो ये कैंसिल नहीं कर सकते, पहले आपको यहाँ से हटाना होगा। 40 मीटर को यहाँ लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में कनेक्ट हो जाएगा, तो 40 मीटर इज इक्वल टू वाई प्लस 40 अंडर रूट 3 बाय 3 मीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसकी अब जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो ये चूंकि अनलाइक टर्म्स हैं, क्लियर, तो इसको अगर आप यहाँ से इधर लाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 40 मीटर माइनस 40 अंडर 3 बाई 3 मीटर, और यहाँ पे राइट साइड में वाई रह जाएगा, और यही वाई जो है ये वाटर टैंक के डेप्थ को इंडिकेट करेगा। तो अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर आप 40 को बाहर निकाल लें, क्लियर, तो ये होगा क्या 1 मीटर माइनस अंडर रूट 3, क्लियर। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको सर से दिक्कत अगर आपको होती भी है तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देख रहे हो कि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हो, तो आप क्या करो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा क्या 120 मीटर माइनस 40 अंडर रूट 3 मीटर बाय 3 कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि अंडर रूट 3 की वैल्यू डेसिमल में 1.72 होती है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते। देखो यहाँ तक अगर आप लिख दोगे तो भी ये आंसर सही है, कोई गलत नहीं ठहराएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 40 × 1.732 बाय 3, यहाँ मीटर लगा देना, क्लियर, बाय 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा क्लियर वो डेसिमल के तीन प्लेस तक आएगा, लेकिन आप उसको दो प्लेस तक ही में ही आप इवैल्यूएशन करिएगा। आई होप ये जो मैंने इस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया स्टेप बाई स्टेप आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, और जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक के, पहले आप उन मिसलेनियस प्रॉब्लम को पहले अच्छे तरीके से समझें कि वो लगाएं कैसे गए हैं, ठीक है, तभी आपको एक्सरसाइज को करने में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।